నీ బాధ మీ చెప్పాలి నా బాధ మా మా బాధ మేము చెప్పాలి మీది మాది ఉంటే రెండో పోవచ్చు మీది మా ఇద్దరితో ఉందని బయట అనుకుంటున్నాను ఇది బయటది అంటే పంపిస్తాను ఏ రంగులో పోవద్దు అంటున్నారు ఎవరు పైనుంచి అంటే ఎవరు మీ పైన ఏసీపీ గారు ఉంటారు డీసీపీ గారు ఉంటారు కమిషనర్ గారు ఉంటారు డీజీపీ आपका मेरा है तो अलग अभी क्या है प्लान क्या है हम तो जाएंगे हम तो प्रयत्न करेंगे हमारा फेस्टिवल है सर ये हमारा हनुमान जयंती है और आज ही के दिन हमारा जन्म हुआ था आपका जन्म हुआ था हनुमान सिंह मेरा नाम है मेरा ठीक है डेट थोड़ा आगे पीछे हुआ डेट आगे पीछे होते रहता है हम तो हमारे मंदिर भी जाएंगे और प्रोग्राम में भी जाएंगे मंदिर को कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके साथ चलूंगा कोई नहीं करूंगा शोभा यात्रा में भी हम जाएंगे शोभा यात्रा में नहीं मेरे तो बोल दो आप जाते आप फर्दर जो एक्शन लेने आप जैसे लेकिन हमारे फेस्टिवल हमारा हिंदुओं का फेस्टिवल में आप रोक नहीं सकते आपकी ऑफिस भी नहीं रोक सकते और मेरी विधानसभा में कार्यक्रम है मेरे विधानसभा में ही मेरे प्रोग्राम में नहीं जाना बोले तो टोटली पॉलिटिकल एक षड्यंत्र लगता है मुझे डैमेज करने का एक षड्यंत्र है मैं ऐसा समझता हूँ बाकी का ठीक है आप काफी सर से आप कुछ नहीं कर सकते वो तो हम समझ सकते हैं बाकी का आप जो करना है कर सकते हो आपकी मर्जी कहाँ लगे तो लगे सर ये तो छोड़ दो गोली घोड़ा आप सीरियस में क्यों बोलो आप मैं आपके ऊपर सीरियस है क्या फायदे नहीं है ना आप मेरे दोस्त आप मेरे भाई है ये बात सही है सर आपके सीरियस होने का सवाल ही नहीं सीरियस जिस पे होना है उस पे हो गए हम परसों आगे भी होंगे वो तो सही है सर आप क्या सर आप खाना सर पे सुना कुछ मेरे कानों से सुना आंखों से आपके हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आप क्या है बस जो बड़े ऑफिसर बोलते हैं उसको फॉलो करना आपका काम है हम समझते हैं आपसे मैं लड़के फायदा नहीं है ना इससे लड़ना है आने वाले समय में लड़ेंगे लेकिन आपके ऑफिसर से बात कर लो हम तो रैली में जाएंगे